हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कामनी मौर्य और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बेस्ट 8 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जो कि आप लोग बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू आर 12th पास फ्रेशर्स। अगर आप लोग 12th पास किया आपने या फिर आप लोग अभी अंडर ग्रेजुएशन परसू कर रहे हैं या फिर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर जॉब के बारे में जो कि हम बात करेंगे। उन 8 गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करेंगे जिसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस और टर्म एंड कंडीशंस नहीं है। सो मेल एंड फीमेल बोथ आर एलिजिबल फॉर दीज पर्टिकुलर जॉब्स और इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सिर्फ 18 to 30 अगर आपकी एज है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली कोई भी जॉब है, चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, ज्यादातर जो मोस्टली मांगा जाता है वो यही क्राइटेरिया मांगा जाता है कि यू शुड मस्ट हैव योर एज बिटवीन द एज ब्रैकेट 18 to 30। तो ये ज्यादातर है जो मांगा जाता है एज क्राइटेरिया के अंदर। इतनी सारी 8 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बात करेंगे जो कि आप लोग इजिली अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता होगा SSC के बारे में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि कंडक्ट कराता है बहुत सारे एग्जाम, चाहे वो RRB है, चाहे कांस्टेबल के एग्जाम्स हैं, चाहे CHSL है, चाहे आपका CGL है। तो काफी सारे एग्जाम्स हैं जो कि SSC कंडक्ट कराता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे SSC का ही है, फर्स्ट है CHSL। तो CHSL एग्जाम SSC कंडक्ट कराता है जो कि आप लोग इजिली अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 12 पास हैं अगर आप लोग तो आप लोग फॉर्म भरना इसके बिल्कुल मत भूलना जब भी इसके अपडेट्स आपके पास आए। फुल फॉर्म है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जो कि आप सिर्फ 12 पास होते हैं तो इसी के ही बेसिस पे आप लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो सिर्फ आप अगर 18 इयर्स के हैं और आप लोग इजिली अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो इसमें काफी सारे मल्टीपल पोस्ट होते हैं, उन पोस्ट के बारे में हम बात करें तो जैसे कि पहली पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क, तो इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसकी भी वैकेंसीज निकलती हैं। साथ ही में जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है, साथ में पोस्टल असिस्टेंट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, ऐसे काफी सारे मल्टीपल पोस्ट हैं जो कि आपको सिर्फ CHSL लेवल पे देखने को मिलेंगे और इसका जो पे स्केल होता है वो भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। उसके बाद हम सेकेंड जॉब के बारे में बात करें जो कि आपकी बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब है एक तरह से, वो है SSC मल्टी टास्किंग स्टाफ, जिसको हम SSC MTS भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो आप लोग इसमें देखेंगे तो आपको बहुत सारी नॉन टेक्निकल जॉब्स मिलेंगी, चाहे वो किसी भी ग्रुप लेवल पे हैं। ज्यादातर इसमें सी या फिर डी ग्रुप लेवल ही आपको जॉब्स मिलेंगी जो कि मल्टीपल टास्किंग में होती हैं। तो इसमें आपको जो भी जॉब्स मिलेंगी वो नॉन टेक्निकल से हटके होंगी और वो आपको किसी में भी मिल सकता है, चाहे वो ग्रुप सी है, चाहे वो ग्रुप डी है, या फिर नॉन मिनिस्ट्रल पोस्ट है। नॉन मिनिस्टर पोस्ट कौन सी है जो कि आपको मिनिस्ट्री के अंडर नहीं मिलेंगी। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप लोग बहुत इजीली प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप लोग सिर्फ 12th पास हैं। और ये 10th पास के लिए भी एलिजिबल है इसमें जो भी लोग हैं SSC MTS में स्पेशली। तो आप लोग अगर सिर्फ 12th पास फ्रेशर्स हैं तो आप लोग इजी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम थर्ड जॉब के बारे में बात करें तो थर्ड जॉब बहुत अच्छी जॉब है, दैट इज SSC स्टीनोग्राफर। तो स्टीनोग्राफर में क्या होता है, बेसिकली आपको टाइपिंग करनी होती है। जैसे कोर्ट रूम में आप देखते होंगे काफी सारे स्टीनोग्राफर्स होते हैं जो कि जो भी आपकी कमिटमेंट है, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो भी चीजें हैं उनको टाइप करना होता है। सो वो जज को सबमिट करना होता है या फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो देखना होता है। अल्टीमेटली उनका यही काम होता है स्टीनोग्राफर का। तो अगर आप स्टीनोग्राफर बनना चाहते हैं जिसमें अल्टीमेटली आपकी टाइपिंग देखी जाएगी तो ये चीज आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सिर्फ 12th पास हैं। अब ये किसके अंडर निकलती है, ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंडर इसमें जॉब्स निकलती हैं, जिसका पे स्केल होता है वो काफी कन्वीनियंट अमाउंट होता है। इट मीन्स आप लोगों को कोई ऐसी शिकायत नहीं होगी इस चीज से कि आपको सैलरी कम मिल रही है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब एक बहुत ही अच्छी सेटिस्फैक्शन आपको मिलती है अगर आपको जॉब मिलती है। साथ ही में हम फोर्थ जॉब की बात करें, दैट इज RRB, दैट इज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भी कंडक्ट कराता है काफी सारे एग्जाम्स जो कि 12th पास के लिए बेसिकली काफी सारे हैं, जैसे सबसे पहले ग्रुप डी और ग्रुप सी के लिए इसमें कंडक्ट होते हैं। और एक और आपको देखने को मिलेगा वो है RRC ग्रुप डी। तो काफी सारे मल्टीपल पोस्ट पे भी RRB रिक्रूटमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं, काफी सारी जॉब वैकेंसीज की अपडेट्स आती रहती हैं। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट या फिर ऐसी कोई भी प्राइवेट जॉब है उनकी वैकेंसीज हैं या फिर कोई भी ऐसी अपडेट आई आपको पता चले तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को और रेड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा क्योंकि सबसे पहले आपको अपडेट्स इसी चैनल पे मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं एक और चीज है, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं अक्सर सारे अपडेट्स डालती रहती हूँ। चलिए बात कर लेते हैं, इसमें आपको ग्रुप डी या फिर ग्रुप सी में मिलेगा RRC के अंडर। और इसके बाद असिस्टेंट लोको पायलट इसमें आपको मिल सकता है, ये इसके अंदर एक पोस्ट आती है। तो इसके लिए आप लोग डायरेक्टली एलिजिबल हैं इफ यू आर 12th पास फ्रेशर। चलिए बात कर लेते हैं इसके बाद फिफ्थ, जो कि बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग वैकेंसी होती है, जो कि
काफी लोग इसको ऑप्ट करना चाहते हैं, तो ये है इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि इंडियन पोस्ट के अंडर आता है। तो आप इंडियन पोस्ट में कोई भी जॉब आपको मिलती है ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग होती है, और इसका जो पे स्केल मिलता है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है। इट मीन्स अगेन आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट जॉब मिलना होता है उसका मतलब ही होता है आपको काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन इसमें मिलेगी। तो इंडियन कोस्ट गार्ड में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर जैसी इसकी वैकेंसी आती है तो। 12th के बाद ये बहुत ही अच्छी जॉब मानी जाती है। इसके बाद हम बात कर लें इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है, तो इसमें सेलर्स की पोस्ट होती है, साथ ही में असिस्टेंट कमांडेंट्स की होती है, एक और पोस्ट है हमारी टेक्नीशियंस। तो ये कुछ फील्ड्स मैंने आपको बताई है, इसके अंडर अक्सर जॉब वैकेंसीज आती रहती है। तो अगर आप लोग 12th पास हैं और या फिर आप लोग अपनी अंडर ग्रेजुएशन परसू कर रहे हैं या फिर आप अपनी ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं तो आप लोग बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं इन पर्टिकुलर जॉब्स के लिए। बाद हम बात कर लेंगे जो बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग जॉब होती है जो कि हर कोई डिमांड करता है, वो ये है एसएससी कांस्टेबल। एसएससी कंडक्ट कराता है मेल एंड फीमेल दोनों के लिए कांस्टेबल के लिए, और ये डिफरेंट स्टेट में वरी करता है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो इसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मेल एंड फीमेल कौन अप्लाई कर सकता है, सो ऑब्वियसली बोथ आर एलिजिबल फॉर दीज पर्टिकुलर जॉब्स जो भी मैं आपको बता रही हूँ। सो कांस्टेबल एक इतनी अच्छी वैकेंसी है जो कि आप लोग अगर इसके लिए अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग होगा। और जिसमें इसकी वैकेंसीज निकलती रहती हैं, जैसे दिल्ली कांस्टेबल की काफी लेट आती है वैकेंसीज, बट आती है तो काफी ज्यादा नंबर में वैकेंसीज आती हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं दिल्ली कांस्टेबल के लिए। इसके लिए भी आप लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर ले सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में। सिक्योरिटी फोर्सेस में क्या होता है, जैसे आपकी बहुत सारे फोर्सेस हैं, डिफेंस फोर्सेस हैं जो कि हम सभी लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं ऑब्वियसली, जैसे कि सम ऑफ देम आर बीएसएफ या फिर सीआईएसएफ है या फिर आपका एसएसपी है, सशस्त्र सीमा बल, ऐसे काफी आईटीबीपी है, काफी सारी आपकी डिफेंस फोर्सेस हैं आपकी, जो कि आप इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी वैकेंसीज निकलती रहती हैं, सो इफ यू आर जस्ट 12th पास, इफ यू आर जस्ट अ फ्रेशर, देन यू शुड डेफिनेटली हैव टू अप्लाई फॉर दीज पर्टिकुलर जॉब्स जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। लास्ट हम बात कर लें एक और जॉब के बारे में, वो ये है इंडियन नेवी, इंडियन फोर्स एज वेल एज इंडियन आर्मी। तो इन तीनों फील्ड्स में अगर आप देखेंगे जो कि हमारी ऑब्वियसली डिफेंस फोर्सेज हैं हमारी कंट्री की, नेवी, इंडियन एयरफोर्स और साथ ही में आर्मी, इसमें भी काफी सारी जॉब्स निकलती रहती हैं, बट एयरफोर्स और नेवी में ज्यादातर ग्राउंड लेवल निकलती हैं जिसमें कि नॉन टेक्नीशियंस काम नहीं होते हैं, तो आप नॉन टेक्नीशियंस फील्ड में जा सकते हैं, जैसे कि इसमें ग्राउंड बेस ज्यादातर जो भी जॉब्स मिलेंगी इसमें वो नॉन टेक्नीशियंस से हटकर होंगी। इट मीन्स नॉन टेक्नीशियंस सारी जॉब्स निकलेंगी, जो भी इसमें पोस्ट निकलती हैं, जो भी इसमें जॉब प्रोफाइल निकलती हैं, वो सारी नॉन टेक्नीशियंस होती हैं, ऑलमोस्ट ज्यादातर यही होता है क्योंकि 12th पास सिर्फ यही चीजें डिमांड की जाती हैं। सो इंडियन आर्मी में आप लोग बहुत अच्छे से एलिजिबल हो सकते हैं अगर आपकी बहुत ज्यादा डेडिकेशन है। तो इन सारी जॉब्स के बारे में जो भी मैंने आपको बताया इस वीडियो में, अगर आप इनको अपने माइंड में रखेंगे और अगर आप सोचेंगे कि आपको किस जॉब के लिए जाना चाहिए, किस जॉब के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, देन यू शुड डेफिनेटली हैव टू गो फॉर दीज पर्टिकुलर जॉब्स क्योंकि इनका जो पे स्केल है काफी अच्छा है, काफी सेटिस्फाइंग जॉब है और काफी जल्दी ये चीजें डिमांडिंग हो जाते हैं क्योंकि आप सिर्फ 12th पास होते हैं तो आप लोग इजी अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर ऐसी कोई भी चीज है जो आप पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट होइएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग डायरेक्टली जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।